श्याम सिंह हमारी दोनों बेटियां जो हैं इतनी समझदार हैं कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकती हैं। आप कुछ मत कीजिए, जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है। जी वो मुझे गुरुद्वारा जाना था, आपकी इजाजत लेने चले। आप चाहें तो किसी को मेरे साथ भेज सकते। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैं फेर कर रहा हूँ कि अब की बार अगर आपने मुझे कुछ और समझाने की कोशिश की तो रब दी सौ प्रीत को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। इस लड़की और उस फौजी का बाप दोनों गेस्ट हाउस में आकर ठहरे। अगर वो ये समझते हैं कि मैं मूर्ख बेवकूफ हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके बारे में एक बात नोट की मैंने, आप औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ये महिला अभी आपको झुककर सलाम कर रही थी, मुझे यही लगा। मन में एक बात आई, पूछूं, आप इन औरतों के बारे में क्या सोचते हैं जो मर्दों का काम करती हैं? मेरा मतलब है इतनी सारी लकड़ियां लेकर जा रही हैं, घास काट रही हैं, एक तरह से देखा जाए तो मर्दों की बराबरी का काम कर रही हैं। इनके घर वालों को शर्म नहीं आती इन्हें ऐसे काम करता देख पराए मर्दों के बीच? तो उन औरतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये औरतें मेरी नजर में आदर्श औरतें हैं। और जो फौज में जाना चाहती मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए लड़ते, उनके बारे में क्या सोचते हैं? प्रीत, प्रीत कहाँ है तू? परजाई जी मैं बाथरूम में हूँ। प्रीत जल्दी बाहर आ। हाँ हाँ आई। परजाई जी क्या हो गया, कौन सी तबाही मच गई है? तबाही मची नहीं है, तबाही मचने वाली है। साक्षी कहाँ है? साक्षी गुरुद्वारे गई है, कह रही थी गुरुद्वारे जाना है। क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया उसका, चली होगी है वो। जगिया बता रहा था कि वो दारा के साथ कहीं गई है। दारा वीर जी के साथ? सच में इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। इसको पता नहीं है दारावीर जी कैसे कैसे जा सकती है, पता नहीं ये लड़की अपने आप को क्या समझती है। प्रीत मुझे बहुत डर लग रहा है, अनर्थ हो जाएगा। परजाई जी प्लीज आप शांत होइए, हम बेबे से बात करते हैं, बेबे के पास चलते हैं। शांत परजाई जी, चलो बेबे के पास। ये क्या करने वाला है, मेरी तरफ ऐसे क्यों बढ़ रहा है? साक्षी को सोच नहीं तो जल्दी। तारा जी वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, मुझे लगा आप मुझे लेकर क्या सोचते हैं, अगर आप इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो। वो आपने उन्हें झुककर प्रणाम किया ना तो मुझे अच्छा लगा वो देखकर। I'm sorry। देख लड़की मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करना, तू चली जा फौज में वापस। मेरे लिए जो औरतें तेज दिमाग होती हैं
उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता मैं। तू कुछ ज्यादा ही तेज है। जी बेबे। जी बेबे कहाँ है तू? रास्ते में हूँ। किसके साथ है तू साक्षी पुत्र? जी दारा जी के साथ, वो गुरुद्वारे गई थी। तू ऐसा कर, बस छेती कोठी वापस आ जा। जी बेबे बस 10 मिनट में आएंगे। ठीक है। वो चल घर। मेरा ये हो गई लुधियाना वाली मामी के लिए, और ये अमृतसर वाली ताई जी के लिए, और ये अच्छी वाली इनकी मासी जी के लिए, और परमजीत उसके लिए तो कुछ भी नहीं, उसने तो शेरे की शादी में मुझे एक सस्ती सी साड़ी दी थी, पर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये ठीक है, ये कुछ खास नहीं, ये मैं परमजीत को दूंगी, फिर पता चलेगा उसे। आगे तुसे मैं तुहाडा ही इंतजार कर रही सी। आप ना बैठो, शांति से मेरी बात सुनो। मुझे शादी की तैयारियों को लेकर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बस मैं जल्दी जल्दी आपको सब बता देती। बैठो। सब तो पहला मंडप वाले नु कह देता है, वो ना रात को आके ही मंडप खड़ा कर देगा, और खाने के लिए उसे कह दिया सुबह सुबह शुरू कर लेना, नाश्ता खाना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेहंदी वालों को 3 दिन के बाद बुला लिया है, क्योंकि मेहंदी तो 4 दिन के बाद है ना, तो 1 दिन पहले आकर वो लगा देगी, और उसके बाद संगीत होगा। बाकी छोटे मोटे कामों के लिए तो जगिया भाग दौड़ कर ही रहा है। बाकी वाहेगुरु की कृपा, उसकी कृपा से सब सही हो जाना है। इकलौती ती है हमारी। सोचा था आराम से तैयारी करूंगी और फिर धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन सब सपने ही रह गए। ओए प्रीत, प्रीत किथे है? कल से दिखाई नहीं दी। जी घर में ही है, अपने कमरे में है। वो ठीक तो है ना? ठीक तो है, पर कल कुछ अजीब सी बातें कर रही थी आपको लेकर, बहुत सारी बातें पूछ रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो आपको जानना चाहती है। मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैंने जताया नहीं। ऐसे लगता है उसके मन में आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। ओए मेरे को लेके उसके मन में कोई सवाल तो क्या, अगर नफरत भी आ गई हो तो कोई गल नहीं, पर उस फौजी के लिए उसके मन में जरा भी प्यार नहीं बचना चाहिए। और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे तेरी आंखें हैं या बटन? तुझे नीले कलर और हरे कलर में अंतर नजर नहीं आता क्या? तुझे समझाया भी था कि लहंगे का किनारा नीले रंग का चाहिए, फिर क्यों हरा लगाया? अरे रात में खरीदने गया था तो क्या हुआ? रात में क्या काम नहीं करते लोग? तुझे रतौंधी है क्या जो रात में दिखाई नहीं देता?
ये दोनों साथ में? दारा इसके साथ क्या कर रहा है? मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। वो हम गुरुद्वारे गए थे। मैं आती हूँ बुआ जी। दारा पुत्र मेरी बात सुन। तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा था? मैं तो तेरी मदद करने के लिए पूछ रही थी। बताए दारा पुत्र, ये जो साक्षी है ना, तेरी छोटी बुआ मनमीत के बारे में मुझसे पूछ रही थी। इस लड़की पर नजर रखो, हर पल। ठीक है पुत्र, मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तू माने ही नहीं। किया है ना, ये दोबारा मत करना। जब तू दारा को जानती नहीं है, क्यों गई थी उसके साथ? भाभी जरूरी काम था इसलिए गई थी ना, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी हमें भी बता दिया कर, नहीं तो बैठे बिठाए नई मुसीबत आ जाएगी। और तू प्रीत मेरी बात सुन, बुआ जी तेरी होने वाली सास हैं, उनके साथ कुछ ऐसा मत करियो जिसके लिए तुझे बाद में पछताना पड़े। कुछ ऐसा मत कर देना कि वो ससुराल में तेरा जीना हराम कर दें। मुझे तुम दोनों की चिंता है, बस इसीलिए बोल रही हूँ। इस घर के बड़े बुजुर्गों से कोई बात छिपती नहीं है, और ये बात तू बहुत अच्छे से जानती है प्रीत, बस इसलिए जरा संभल के प्लीज। आज दोपहर को मम्मी जी ने मेरा भी फोन ले लिया। हाँ भाभी, दारा ने मेरा भी फोन ले लिया दोपहर को। साक्षी पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जा। थोड़े दिनों में प्रीत की शादी हो जानी है, फिर तू वहां जाके उससे मिलती रहना उसके ससुराल में। बात है, आप ऐसे क्यों कह रहे? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? साक्षी के पापा और बाबा के गेस्ट हाउस में होने की खबर जोगिनू पता है, ये जानकर ना साक्षी ने और परेशान हो जाना है। लेकिन इसको सही सलामत इसके घर तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना। देखती हूँ।
रात को चैन से सोना है ना तो अपने सबसे कीमती चीज चोर के सिरहाने रख देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको यह जिम्मेदारी दे रहा हूं। तो जाओ, तुम मुझे बाबूजी या दादा से पिटवाना चाहती हो क्या? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो जरूर तुम्हारी खैर। अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो पक्का कोई देख लेगा। रिलैक्स, शांत हो जाओ। प्रीत कहाँ है? प्रीत कमरे में। क्यों, तुम आए कब? प्रीत, बुआ जी, दारा तू यहां इस वक्त क्यों आया है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देख दारा, मुझे ना इस समय बहुत नींद आ रही, तुझे जो भी बात करनी है ना कल कर लेना। मैं क्या, मुझे आपसे कुछ बात करनी है? अरे क्या बात करनी है? अच्छा चल बता क्या बात है। आज आप इस कमरे में नहीं सोएंगी। क्या मतलब, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी तो कहां सोऊंगी? आप प्रीत के कमरे में सोएंगी और वो भी आज से। लेकिन क्यों? प्रीत पर नजर रखने के लिए। तो मुझे पता है कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। एक पल के लिए भी प्रीत को अकेला नहीं छोड़, उसका साया बन जाइए। क्या बात है, आज तो दारा पूरा मेहरबान है, इतना भरोसा कर रहा है मुझ पर। लगता है इसे समझ में आ ही गया कि साक्षी की असलियत पता लगाने में मैं ही इसकी मदद कर सकती हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम भरोसा तो करने लगा है मुझ पर। चलो अच्छा है, तुझे समझ में तो आया कि इस घर में एक मैं ही हूँ जो तेरा भला चाहती हूँ। मेरे कुछ असूल है और उनमें से एक ये है कि अगर रात को चैन से सोना है ना तो अपने सबसे कीमती चीज चोर के सिरहाने रख देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको यह जिम्मेदारी दे रहा हूं। सस्वीकार। चोर? ये दारा अभी अभी मुझसे क्या बोल के गया है कि अगर आराम से सोना है तो अपनी कीमती चीज चोर के सिरहाने रख देनी चाहिए। हाँ समझ गई, ये ना मुझे अभी भी चोर बोल के गया है। ये क्या समझता है अपने आप को, ये मुझे चोर समझता है? अभी देखती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। बेबे देखो ना जरा, मतलब अब अपनी ही बीवी से मिलने के लिए आदमी को ऐसे चोरों की तरह आना पड़ेगा। अरे आपको पता है आपके बेटे ने ना इस कोठी को किला बना के रखा हुआ है और आपका वो पोता वो नीचे चौकीदार बना बैठा है। बताओ इस घर में घुसने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और तो और बेबे, मेरे होने वाले ससुर ने क्या कहलवाया पता है, कि मैं प्रीत से तभी मिल सकता हूं जब हम लोगों की शादी हो चुकी हो। अब आप बताइए इज इट फेयर? मुझे राजदीप का फोन आया था, उसने कहा कि प्रीत को अगर वापस अकेडमी ज्वाइन करनी है तो उसे जल्द से जल्द वापस भेजना होगा।
अगर यहाँ क्या परेशानियां कम थी तो तू बढ़ाने के वास्ते आ गया। कुछ दिनों में तो प्रीत से तेरी शादी हो ही जानी है, तेरे साथ ही रहने वाली है वो। बेबे मैं मुसीबत बढ़ाने नहीं कम करने आया हूँ। इस तरह से? अरे आंखें खोल, तू जोगिंदर सिंह की कोठी में है, इस तरह से परेशानियां कम नहीं होंगी और बढ़ जाएंगी पुत्र। अच्छा एक मिनट, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे राजदीप का फोन आया था, उसने कहा कि प्रीत को अगर वापस अकेडमी ज्वाइन करनी है तो उसे जल्द से जल्द वापस भेजना होगा। और सुनिए, बाऊजी ने जो ड्रॉप लेटर भेजा था ना अकेडमी, वो पहुंच चुका है। और राजदीप को उसे साइन करके जल्द से जल्द यहां भेजना। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजदीप अभी छुट्टी पर है और हमारे पास थोड़ा समय अभी भी बाकी है। अर्जुन को तो ये बात पता होगी ना, फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं वीना पागल हूं, मैंने ही तो मना किया था कि फोन मत करना। देखो तब मुझे कुछ ना कुछ कहता रहता है। नहीं देखूंगी इसको भी। क्यों होया परजाई जी, मुझे एक बात बताओ, ये दारा मुझे समझता क्या है? उसने अभी मुझे चोर बोला। वो कहता है जिस तरह लोग अपनी कीमती चीज की निगरानी एक चोर से करते हैं, वैसे ही मैं प्रीत पे हर वक्त नजर रखूं एक चोरनी की तरह। अरे मैं इस घर की कुड़ी हूं, वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? मेरी कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं? मैं उसकी बुआ हूं परजाई जी। हाँ हाँ नीत, तू उसकी बुआ है। तेनू ना उसकी बातों को दिल में नहीं लगाना चाहिए। तू तो जानती है उसके स्वभाव को, उसने जो कुछ भी कहा है सोच समझ कर ही कहा होगा, क्योंकि जो घर के हालात हैं वो तो तू जानती ही है। मेरे ख्याल से तुझे वही करना चाहिए जो दारा ने कहा है। समझ गई परजाई जी, आप भी यही चाहते हो ना कि मैं प्रीत के कमरे में जाके सोऊं? ठीक है चली जाती हूँ प्रीत के कमरे में सोने, अब तो खुश। जो भी इसको ये लोग सोच रहे हैं ना, मैं वो पूरी होने नहीं दूंगा। पुत्र तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ। पागल हो गया है क्या कुलजीत? अरे यहाँ शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। तुझे मुंबई जाने की सोच रही है? हाँ क्यों होया, और की कर रहे तू? और छोड़ लो, शर्म नहीं आती तुझे? खबरदार तूने इसको कोई नुकसान पहुंचाया। अरे छोड़ो,